विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएचटीसी सेकेंडरी की पाठ्य पुस्तक बच्चे और सीखने के अंतर्गत कई पढ़ रहे हैं सेकेंड सीखना बुद्धि और अनुभव। अभी हम सीखना हमारे फर्स्ट कही हो चुकी है बुद्धि, यदि हमारा इस प्राइवेट करियर में चलना है तो हमने बुद्धि का हमारा अच्छा टॉपिक है बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि के वर्गीकरण के अनुसार हमें से चार भावों में पाठते हैं। तो पहला भाव था हमारा अमूर्त बुद्धि के बारे का मतलब होता है का संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। का संबंध पुस्तक की ज्ञान से ज्ञान क्या होता है मूर्त बुद्धि वस्तुओं को समझने और उसके अनुरूप क्रिया को उनके बारे में उपयोग करना। इस बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि बुद्धि तो अमूर्त बुद्धि जो मूर्त बुद्धि ऐसी ज्ञान बुद्धि भी कहते हैं। विद्यालय बुद्धि यांत्रिक पता है स्वचालित अपनी क्रियाओं के अनुसार चलता। इस प्रकार बुद्धि उन परिस्थितियों में कार्य करती है जिसमें वस्तु या उद्देश्य निहित होते हैं। दोनों क्रिया उद्देश्य भी उसकी क्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे एग्जाम्पल होता है कि ऐसा व्यक्ति उन समस्याओं को शीघ्रता से हल करता है। जैसे कुछ यांत्रिक ऊर्जा में से कुछ इस तरीके मशीनें होती हैं, पावर हेड मशीन होती हैं, पावर ऑयलिंग मशीन होती हैं या उन यंत्रों संबंधित होती हैं। इस कार्य के आधार पर जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो पेट्रोल की आवश्यकता अपने जो क्रिया करती है वो उसको इंजन के माध्यम से गाड़ियों को धक्का दिया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है उस प्रकार गतिज ऊर्जा होती है कि किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में कैसे जानकारी देते हैं। जिसमें मूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होता है कि वस्तुओं के समक्ष अपनापन दिखाना। मूर्त बुद्धि के परीक्षण में सामान्य रूप से ऐसा परीक्षण होता है जिसमें यंत्रों का एकीकरण करना पड़ता है, एकीकरण पड़ता है। जिस प्रकार बुद्धि का परीक्षण हो सकता है, मूर्त बुद्धि का स्वरूप दूसरों की शारीरिक बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब है कि हम जिस बारे में जिस योग्यता के बारे में बालक अपनी क्रियाओं के आधार पर एक अध्यापक जो है अपना शिक्षण कार्य मूर्त रूप से करता है, मतलब बच्चों के समक्ष करता है। और बच्चे समक्ष जिस प्रकार कार्य करता है बालक उस कार्यों का अनुकरण करता है और उस अनुकरण के आधार पर बालक ने कितना सीखा, कितना उसने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान का निरीक्षण करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए अध्यापक अपने स्तर पर आधारों विद्यार्थियों का परीक्षण करता है। तो एक अध्यापक समझता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण को आधार या किसी विस्तृत वस्तु के बारे में विद्यार्थियों ने किस हद तक उस शिक्षा को प्राप्त किया है। अब आते हैं चरण नंबर आते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का एक होता है व्यक्ति की योग्यता। क्या होता है सामाजिक बुद्धि का व्यक्ति योग्यता से सामाजिक बुद्धि का क्या होता है व्यक्ति की योग्यता। तो जो उसमें
समाज में समाज समाजोपयोगी क्षमता उत्पन्न होती है। सामाजिक प्राणी की व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को समाज में संबंधित विभिन्न प्रकार के कौशल व्यक्ति के चरित्र संबंधित या उसमें जो निर्भर होती है उसके स्वभाव में उसके मन स्थिति में मनोवृत्ति में ईमानदारी में निर्णय में हास्य और स्वभाव के आदि जो कार्य होते हैं वो सामाजिक बुद्धि की ओर संकेतित करता है। बहुत से अच्छे व्यक्ति सामाजिक बुद्धि होने के कारण वह अपने जीवन को असफल बनाते हैं और सामान्यतः मूर्त और अमूर्त सामाजिक बुद्धि के साथ साथ करने वाली जो बुद्धि क्रिया होती है वो सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति इस योग्यता के बारे में अपनी प्रखरता दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति जिस समाज में व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जिस व्यक्ति के बारे में उच्च एजुकेशन हो तो वो समाज के समस्त गतिविधियों को समाज के विद्यार्थियों को समाज के हर बालक बालिकाओं को उसको अपने स्तर के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो आज देखिए आज हमारे समाज के अंतर्गत एक एक प्रोग्राम होता है छात्र प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। जिस विद्यार्थियों ने अपने 10th 12th और ये अब जो भी कक्षाओं के अंतर्गत 10th 12th और जो भी है BA जिसमें कुछ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है समाज के द्वारा उनको अवगत कराया जाता है। समाज में ऐसे विद्यार्थियों का सम्मान करने से आने वाली पीढ़ी भी उस विद्यार्थी की जैसा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सामाजिक भूमिका का मतलब होता है कि व्यक्ति की अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को अपने समाज में हर कार्य को आगे बढ़ करना चाहिए। तो हम इस क्रिया को इस